ब्लैसिंग्स ठहरो आई होपर डूइंग गुड हेल्दी हैप्पी सेफ एंड साउंड माई ब्यूटिफुल सोज हाउ आर यू आई होप सब ठीक हो स्वस्थ हो अपना ख्याल रख रहे हो तो आज की रीडिंग का टॉपिक है हो इज़ योर ट्रू मेड योर ट्रू लव या जो भी आप समझें और ये कि वो आपसे कब मिलेंगे ठीक है उनके फिजिकल उनकी फिज़िकल अपेयरेंस उनकी पर्सनैलिटी एवरीथिंग अबाउट दैम नेम अनिशियल्स प्रोफेशन सुपर डुपर डिटेल्ड रीटिंग है तो अपना पायल चूज कर लें आप पायल वन एंड पायल टू आप सबके नेम अनिशियल्स हैं ठीक है थेके? तो आई हैवी सिंग यू ऑन योर रीडिंग hello beautiful pile one let's see who is your true mate what is there for you from the fine? all right okay the afterpassenger emperor your true mate is emperor king of cups knight of cups beautiful energy over here टेन ऑफ सोर्स सेवन ऑफ वह नाइन ऑफ पिनिकल्स गाइज आपका जो ट्रू लव या ट्रू मेट है ठीक है uh, उनका जोडिक साइन हम अभी डाइट से भी देख लेते हैं बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कार्ड से देख के बता दूं कि यहाँ पर वाटर एनर्जी ज़्यादा है ठीक है दैट इज पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो या फिर यहाँ पर आपके फायर साइंस हैं ठीक है इज रिड्योर्स वेजिटेरियस ठीक है बाकी पीछे जो और साइन है उनमें से मुझे वर्घैप्रिकॉन ज़्यादा लग रहे हैं बिकॉज दिस इज़ वेरी अबेंडेंट एंड यू नो वेरी इंडिपेंडेंट एज वेल और दूसरी बात है कि जो फ, है एयर साइन उसमें से पॉसिबल एक्वेरियस हो, ठीक है अच्छा बाकी हम हाँ आपको डाइस से भी देख करके बता देते हैं ठीक है कि यू नो व्हाट इज़ दटिक साइन ऑफ दम यहाँ पर एरीज है ठीक है अगेन एरीज़ ओके okay, लियो है सजिटेरियस एरिज लियो सजिटेरियस फायर साइन लीनों नफाई है ठीक है हम एक तो फॉर कर लें क्योंकि काफ़ी लोग हैं यहाँ लिब्रा ओके आप हो सकते हो या वो हो सकते हैं आई डोंट नो सो बाकी आपके जो ट्रू मेट हैं ट्रू लवर Uh, उनकी जहाँ पहले हम देखो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ठीक है पहले भी पर्सनैलिटी बता देती हूँ फिर भी प्रोफेशन देन लुक्स एंड देन नेम एनिशियल एंड सो ऑन ठीक है अच्छा इनकी पर्सनैलिटी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पर्सनैलिटी इनकी है बहुत ही ज़्यादा कोजी वार्म वार्मेसिव ठीक है हेड ऑफ़ द फैमिली हो सकते हैं अपनी फैमिली के या फिर जब आपसे शादी हो तो हो सकता है उसके बाद लाइक ही विल बी यू नो एड परफॉर्म एज ऑफ द फैमिली या फिर इनको जिम्मेदारी लेने का बड़ा शौक है इनको बड़ा शौक होता कि लाइक मेरी ज़िम्मेदारी हो मैं लाइक एक ऐसा हूँ कि लाइक एवरीबडी फॉलोर्ज मी ठीक है मैं जैसा कहूँ वैसा हो इनको एक इस तरह का है इनका इनको आप बड़ा समझदार ही अपने आप को समझते हैं और हैं भी ठीक है लेकिन ऑन दी अदर हैंड किंग ऑफ कप्स इनके बिल्कुल ही दूसरी टाइप तरफ फेरता है इसकी पर्सनालिटी को ये बहुत आ, लविंग भी हैं ठीक है जिस तरह ये एम्पायर है ना जिम्मेदारी के और यू नो बीइंग बॉसी या बीइंग अ लिटल बिट मोर ओवर प्रोटेक्टेड ठीक है उसके अगर बादशाह हैं ना तो ये इसके भी बादशाह हैं मोहब्बत के किंग ऑफ़ रोमांस किंग ऑफ लव ठीक है लेकिन ये साइड आपको उनको आपकी नज़र आएगी आपको आ, रूम में ठीक है नाइट ऑफ कप्स इस चीज़ को इंडिकेट करता है तो बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म की एनर्जीज हैं नाइट ऑफ कप्स एंड इन दम्पर लाइक नाइट ऑफ कप्स एंड यू नो दिस किंग ऑफ कप्स नाइट किंग में चेंज हो रहा है मतलब इनके अंदर एक बच्चा भी है रहे की एक साइड ऐसी चाइल्डिश uh, थोड़ी सी ई uh, ठीक है जहाँ इनको आपकी सपोर्ट चाहिए होगी ठीक है अक्सर ये कामों में फंस जाते हैं स्पेशली हाउ टू डील विद रिलेशनशिप्स घर वाले वहाँ यहाँ करके आपकी मदद चाह करेंगे यहाँ हो सकता है फाइनेसिस में भी कभी कभी आपकी ये सजेशन लें ठीक है अच्छा अब इनकी नेचर में ये है कि सेवन ऑफ फाइनेंस के साथ बहुत डिफेंसिव है ठीक है आप को प्रोटेक्ट करना तो आपको डिफेंस करना आपका ठीक है या आपको आ, किस तरह से दूसरों की गलत नज़रों से बचाना है या इफ़ समबडी इज़ डूइंग रॉन्ग विद यू तो वो इनकी नज़र से नहीं बच के जा सकता राइट आपको कोई परेशानी नहीं होगी इनके साथ रहते हुए कि ये मेरी साइड नहीं लेते या ये मुझे प्रोटेक्ट नहीं करते मैं मतलब अकेली पड़ जाती हूँ ऐसा सीन आपको ये नहीं कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे दूसरी बात आपका जो ट्रू मेट है ये आपको इंडिपेंडेंट देखना चाहता है लाइफ में यू सी दिस सिंगल लेडी इंडिपेंडेंट शी इज़ रियली वेरी रिच ठीक है और इंडिपेंडेंट है आप हो सकता है अपना कोई जॉब भी करो शादी के बाद यानी आपको कभी मना नहीं करेगा कि तुम ना करो या अक्सर मैंने कपल्स में देखा है कि लाइक बहुत और अर्निंग दोनों जब कमा रहे होते हैं ना तो एक जना दूसरे से आम, स्पेशली अगर आपका हस्बैंड आपसे कम कमाता है ना या आप काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हो तो वो जैलस होने लगते हैं या थोड़े इनसेर होने लगते हैं राइट उनको होता ये होता है कि आइए इतना ना करे या मतलब मैं ही करूँ सब कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी नहीं है वो आपको इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं ठीक है तो क्योंकि आप भी शायद कहीं ना कहीं मनोपोलेटिव नहीं हो इन केसेस में अक्सर लड़कियाँ फिर मनीपोलेटिव हो जाती हैं इफ़ दे आर अर्निंग मोर तो उनकी फिर आंखें बदल जाती हैं वो उनके घर वालों से यानी कि अपने ससुराल वालों से फिर बैड बिहेव शुरू कर देती हैं ठीक है ठेके? या फिर एटीट्यूड में आ जाती हैं आप ऐसी नहीं हो यू आर हम्बल सोल ठीक है इस वजह से उनको कोई तकलीफ नहीं होगी जितना मर्ज़ी कमाओ जो मर्ज़ी करो अपने पैसे का इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू इन द देंड बता दूँ मैं ठीक है ये थे जिनकी पर्सनैलिटी नेचर वग़ैरह आइए देखते हैं कि प्रोफेशन में क्या है इनके इनका प्रोफेशन क्या है आपके ट्रूमेट का लवर्स नाइन ऑफ सोर्ड्स एट ऑफ पेंटिकल्स देडोसाइड गाइस hmm. दो एक्सट्रीम चीज़ें निकल के आई हैं एक साइड इनकी नाइन ऑफ सोर्स और जो साइड बताती है ये किसी न किसी फोर्सेस से होंगे किसी न किसी ऐसी एजेंसी से किसी डिटेक्टिव एजेंसी से किसी स्कॉड से आर्मी से पुलिस एनीथिंग रिलेटिंग टू जहाँ इनको यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है या ना भी ऑफ द यूनिफॉर्म भी हो चीज़ हो लेकिन Still, स्टिल ही हैज टू यू नो परफॉर्म सम्यूटी कुछ लीगल डिपार्टमेंट कुछ इस तरह का theek hai है ठीक है एंड these two cards, ये बताता है कि ये किसी प्राइवेट सेक्टर का जो सेल्स डिपार्टमेंट है सेल्स मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड यू नो वि जो लवर्स कार्ड है ये ज़्यादातर बताता है लाइक um, like, um, कोई लव गुरु भी हो सकते हैं राइट right? कोई सोशल मीडिया पर भी कुछ इस तरह का ज्ञान देते हो कुछ इस तरह का भी हो सकता है एंड विद दिस एट ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है ये पर्सन किसी आयरन माइनिंग रोड बिल्डिंग बिल्डर इंजीनियरिंग फर्नीचर इस टाइल्स सिरेमिक्स कुछ इस तरह का काम करते हो ठीक है इनका अपना शॉप हो सकती है अपनी बिजनेस हो सकती है अपना का व्यापार कारोबार हो सकता है ठीक है ये दो एक्सट्रीम इनके चीज़ें हैं ठीक है थीके? तो आ, चलें जी इनके लुक्स पर चलते हैं लुक्स में मैं इधर देख लूँ इनकी जो मुझे टैरो से नज़र आ रहा है फिर हम हैंडमेड से भी देखेंगे लुक्स में ये पर्सन अच्छा है इनके ब्रॉड शोल्डर है और अच्छा खासी इसकी बॉडी है आई डोंट वर्कआउट करते हो या ना करते हो मैटर्स कि उनको पसंद क्या है लेकिन इनकी वैसे चेस्ट चेस्ट इनकी काफ़ी वाइड है और ये काफ़ी मस्कुलर वैसे भी इंसान है ठीक है इनके थाइज इनके हिप्स इनकी कमर काफ़ी सारे हड्डियाँ इनके चौड़ी हैं काफ़ी राइट बाल इनके छोटे होंगे गाइस बहुत लंबे बाल नहीं हैं शॉर्ट कटिंग है एंड um, ब्लैक होंगे ब्लैक या ब्राउन में लेकिन ये करली वेवी हेयर होंगे डेड स्ट्रेट नहीं है कम्प्लेक्शन इनका डार्क है किसी केस में लाइट भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा ज़्यादा कार्ड्स में यहाँ पर डार्क आया है कम्प्लैक्शन एंड वट एल्स हाथ इनके बड़े खूबसूरत होंगे वो प्रोमिनेंट होंगे जैसे आपको पसंद हैं बिल्कुल वैसे होंगे ठीक है और काफ़ी गर्म इनके हाथ होंगे वॉम राइड तो आपके हाथ पकड़ेंगे आपको मज़ा आ जाएगा <laughs> राइट चलो जी चलिए बाकी इनके देख लें लुक्स हम रोमांटिक आइज एंड कम्युनिकेशन का जॉब हो सकती है ठीक है लाइट हेयर हो सकते हैं मतलब बहुत ज्यादा थिक हेयर भारी बाल नहीं होंगे बस नॉर्मल से होंगे किसी के केस case में बालनेस हो सकती है ठीक है नॉट फॉर एवरीबडी स्किन क्लियर होगी नो पिंपल, नो ब्लेमिश नो लाइक ठीक है एनीथिंग एल्स ब्राउन या ब्लैक आइज़ ठीक है ये दोनों भी आप ही के लिए आए हैं नॉर्मल हाइट ठीक है एंड बोनी स्ट्रक्चर है बहुत चबी नहीं है मोटे नहीं है एंड लाइट वेवी हेयर ठीक है मैंने बताया था आपको टैरो से भी देख के लाइट वेवी इनके होंगे बाल लॉन्गे हाइट नॉर्मल से लेकर के लॉन्ग टॉल इसके बीच में हो सकती है राइट मतलब फाइव टेन के अराउंड होगी अगर हेज़ एशियन फाइव टेन के अराउंड होगी या इससे ज़्यादा भी थोड़ी सी हो सकती है फाइव सेवन एट नाइन इस तरह का पर एशिया में यही नॉर्मल मानी जाती है अच्छा ये होगा अब बात आती है आपके स्पाउस के नेम इनिशियल्स की राइट कम लेट्स चेक आउट हिज नेम इनिशियल्स Okay. चलिए आपके पास है जी आर वी ये रवि आई थिंक कुछ निकला है ए, एम राम करके भी कुछ निकला है किसी का फर्स्ट या सेकेंड नेम आर अमर राइट या वरुण राज इस तरह करके नाम हो सकते हैं डी एंड जी आई एंड ये एन है ठीक है रविंदर या इस तरह करके कोई नाम हो सकते हैं ओके 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 माय लव दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप दैट यू लाइक इट ओके एंड प्लीज़ सब्सक्राइब बाय बाय टेक केयर हेलो जी वेलकम टू ग्रुप नंबर टू और फाइल नंबर टू आई होप सब अच्छे हो सो so, आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपके बारे में कि हु इज़ योर ट्रू मेट एंड उनकी पहले मैं नेचर पर्सनैलिटी पे कार्ड निकालूंगी उसके बाद प्रोफेशन एंड उसके बाद लुक्स ठीक है जी आपके ट्रू मेट okay personality has six of wands oh my god king of pentacles karma knight mm. of fans wow royal vibes eh? <laughs> royalty is of wands गाइस आपके पार्टनर की पर्सनालिटी क्या है आपके पार्टनर की पर्सनालिटी ये है कि यू नो सिक्स ऑफ फैंस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स ये इनकी विक्ट्रीज को बताता है इनके अचीवमेंट्स को बताता है ओके okay? लाइक like, इन्होंने क्या अचीव किया है लाइफ में और ये बहुत विक्टोरियस पर्सन है इसको लाइफ में जीतना पसंद है और दूसरी बात है किंग ऑफ़ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट अर्निंग द मनी एंड यू नो बीइंग रिच अमीर होना को पैसे आने चाहिए जमा करो होल्ड मतलब मनी मनी होल्डिंग की बात मैं नहीं कर रही खैर लेकिन ये बहुत रिच होता है राइट एंड इसके फैमिली भी बहुत रिच होती है ठीक है लेकिन आपके पार्टनर के केस में क्योंकि यहाँ कार्ड कार्ड आ गया साथ इसके तो इसने थोड़ी सी सिचुएशन चेंज की है और वो आपको ये बताना चाह रहा है ये कार्ड कि आपके पार्टनर को इनकी फैमिली से पैसा वैसा नहीं मिला ये ख़ुद कमाया है इन्होंने खुद मेहनत की है ठीक है तो ये बहुत ही मेहनती हार्ड वर्किंग पर्सन है सही है इसका एक गोल रहता है इसका एक अम्बिशन रहता है इसका एक सेट टारगेट होता है इसकी नज़र उधर ही लगी होती है अपने टारगेट की ओर और, और दूसरी बात यह है कि ये अपने टारगेट्स कभी हिलता नहीं है और दूसरी वजह बड़ा पैशनेट है यू सी ये तीनों काट का इकट्ठा आना गाइज यू आर वेरी लकी टू हैव हिम ठीक है अमीर लड़के से शादी करना गोल नहीं होता इट्स ऑल अबाउट मैरिंग सब जिसका कोई गोल होता है विजन होता है किसका कोई फ्यूचर प्लानिंग होती है राइट क्योंकि पैसा तो यू लोग इलीगल मीन से भी बड़ा लोग कमा लेते हैं लेकिन बींग ऑनेस्ट बीट हार्ड वर्किंग इट्स ऑल अबाउट दैट ठीक है अच्छा लेकिन इनकी एक पर्सनैलिटी का डार्क पहलू भी है ठीक है वो है इनसिक्योरिटी नमून कार्ड ये डर इनको डर लगता है इनको अकेलेपन से डर लगता है इनको अकेले रह, रह जाने से डर लगता है इनको डर लगता है कि मैं कुछ खो ना दूँ अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ आया है तो चला ना जाए पॉसिबल है उन्होंने ज़िंदगी में किसी को कुछ खोया हो किसी अपने को फैमिली मेम्बर हो सकता है जिसके वो बहुत करीब हो या उनकी कोई एक्स कोई हो सकती है या हो सकता है एक्स फर्स्ट वाइफ हो ठीक है या कोई एक्स डॉटर हो कुछ इस तरह की चीज़ हो कुक या एनी किसी प्यारे को बहुत खोया है या हो सकता है इनको धोखा अपनी फैमिली में से किसी से मिला हो उसने इसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कर दिया ज़रूरत से इतनी ज़रूरत नहीं है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो चुका हुआ है और ये पर्सन इज़ लाइक के प्लीज़ मेरे साथ कोई धोखा ना करे या मेरे साथ कोई हैंड uh, ना करके चला जाए इस तरह से ये इंसान सोचता है ठीक है ऐसा वैंस के साथ ये है कि लाइक ही इज़ योर्स राइट और आपको देख कर के उसके दिमाग में की जो बत्ती गोल होनी है ना वो आप नहीं सोच सकते राइट एक नया पे उनको ऐसे पता नहीं क्यों आप में ऐसा क्या नज़र आएगा कि आपको देख के खो बैठेंगे अपनी पूरी होश राइट तो बहुत पैशन आपके लिए बहुत इसका पैशन है इसकी जो सारी वाम और ऐसे कोजी पर्सनैलिटी में बता रही हूँ ना इट्स ऑल अबाउट हिज क्या कहते हैं वो इट्स ऑल अबाउट हिज लाइक आप आपके लिए भी अप्लाई होती है ठीक है तो ये इसकी पर्सनैलिटी का एक आ, है पहलू अच्छा हम ढाई से इनका एजॉडिक साइन देख लें पहले ठीक है वट वुड भी हिजोडिक साइन एरीज हो सकते हैं यस yes. एरीज अक्सर ऐसे होते हैं राइट अगेन एरीज ठीक है इनका मून साइन हो होता है साइन से इतना फ़र्क नहीं पड़ता मून साइन इनके नेचर को ज़्यादा बताता है मून साइन एरीज होगा या कैप्रिकॉर्न कैप्रिकॉर्न तो किंग ऑफ पेंटिकल को भी आ, करता है डिनोट ठीक है तो कैप्रिकॉर्नियंस आर नॉर्मली वेरी रिच अबंडेंट वैसे थोड़े कोल्ड होते हैं सजिटेरियस <laughs> ठीक है बड़े फायर साइन आ रहे हैं भी फायर से वैसे भी यहाँ पर फायर साइन प्रोमिनंट था एंडटेरियस वाइट इज हैपनिंग जेमिना ओके कैन बी कैंसर ओके चलो जी आगे बढ़ते हैं इनके प्रोफेशन की तरफ एंड विल सी हिज लुक्स फैशन क्या होगा इनका फाइव ऑफ एंड पेज ऑफ कप्स फोर ऑफ कप्स एंड हमारे पास नाइट ऑफ सोट्स ओके गाइस इनका ज़्यादातर वर्क जो है काम जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी है ठीक है ये डेस्क डेस्क जो डेस्क वर्क नहीं करते मतलब टेबल पे बैठ के इनका ज़्यादातर काम नहीं है इनका काम फ़ील्ड में है हुँ? फील्ड में इनको फिज़िकल एक्टिविटी करनी पड़े चाहे अब हो सकता है सिविल इंजीनियर हो बिल्डिंग का काम हो ठीक है कॉन्ट्रैक्टर हो कॉन्ट्रैक्ट लेते हो रोड्स के ब्रिजेस के बिल्डिंग्स के ठीक है कुछ इनका बाहर बाहर का काम है या फिर ऑन दी अदर हैंड ये कोई स्पोर्ट्स मैन हो सकता है ठीक है इनका काम कोई स्पोर्ट्स से हो सकता है लाइक या आ, हो सकता है जो स्पोर्ट्स की जो डिफरेंट फील्ड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन है, है वहाँ पर कुछ करते हों लाजमिन स्पोर्ट्स मैन हों और भी तो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पूरी टीम चाहिए होती है ना अकाउंटेंट्स होते हैं वहाँ पर मैनेजर्स होते हैं वहाँ पर डॉक्टर्स होते हैं मतलब I फिजियोथेरापिस्ट mean, सारी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं तो ये हो सकता है कि कुछ ना कुछ उधर काम करते हो ठीक है एंड यू नो दिस फोर ऑफ कप्स इनका जो प्रोफेशन है और मुझे नज़र आ रहा है मे बी समथिंग रिलेटिंग टू वाटर पानी के करीब कोई एनी वेयर बीच के पास कुछ करते हों को ऑफिस वहाँ हो नियर टू वाटर बॉडी कुछ इस तरह का भी सीन हो सकता है लेकिन इनकी हॉबी है एक हॉर्स राइडिंग इनकी हॉबी हो सकती है ठीक है या तलवारबाजी भी इनकी हॉबी हो सकती है बिकॉज़ आई कैन सी यू आई या यू नो you know, इनका प्रोफेशन ऐसा है कि इनको कोई वेपन रखना पड़ता है ये भी हो सकता है बिकॉज आई एम सीइंग सम वेपन्स वही सोर्स काफ़ी नजर आ रही हैं सोर्स तो आजकल नहीं चलती लाइक like आजकल तो यू नो मॉडर्न वेपन्स आ गए हैं पिस्टल्स वगैरह तो पुलिस में हो सकते हैं आर्मी में हो सकते हैं कुछ इस तरह की भी जॉब इनकी हो सकती है ठीक है अच्छा अब लुक्स इनकी कैसी है पहले मैं टायरों से बताती हूँ देन आई विल सी विद हैंड मेड लुक्स इनकी ऐसी है भाई लुक्स इनकी स्लिम है स्लिम एंड टॉल वेस्ट इनकी इतनी ज़्यादा नहीं है स्लिम वेस्ट है एंड शोल्डर्स भी इतने ज़्यादा ब्रॉड नहीं है नॉर्मल है ठीक है रंग इनका कंप्लेक्शन ना डार्क नहीं है इनका कम्प्लेक्शन नॉर्मल से भी थोड़ा सा साफ ही होगा रंग ठीक है और जहाँ तक हाइट बता दी है मैंने टॉल है और बाकी आँखें आँखें इनकी होंगी उसकी तरह आ, बहुत बड़ी बड़ी नहीं है छोटी आँखें लेकिन वेरी अट्रैक्टिव ठीक है या सो चेक आउट फ्रॉम माई हैंडमेड थिंग क्या है ये शॉर्ट हाइट चलिए ये एक्सेप्शन निकल आई है शॉर्ट हाइट ये भी आपके लिए है एंड नॉर्मल हाइट ठीक है और ये है आपके लिए ब्लैक ब्राउन आइज़ ठीक है एंड या uh, yeah, क्या है जी डार्क कम्प्लेक्शन सम मोर थिंग्स बोनी इनकी स्ट्रक्चर होगी लाइक स्लिम होंगे हडिया बडिया राइट यू नो बाल कैसे हैं ब्लैक हेयर ठीक है एंड ब्राइट स्किन स्किन इनकी ब्राइट होगी चमकती हुई हो And soft and warm hands. And you have what else? I want this card yellow one. Average height. Okay, guys, you have average and normal height are here, righ right? Nikla tha. But you can say ke, you know, exceptions are always there. Kisi ke kuch hai, kisi ke आई थिंक इस फाइल में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कुछ टॉल हैं किसी के कुछ शॉर्ट्स हैं राइट दिस इज इनोसेंट आइज आँखों के लिए हम थोड़ा और जाएंगे डीप पपी लाइक -like आइज़ मैंने बताने बड़ी इनकी क्यूट आँखें हैं छोटी हैं, लेकिन बड़ी क्यूट है ब्राउन बूट्स कोई संबंध हो हो सकता है आपको पहली बार मिले तो ब्राउन बूट पहने हुए हो, हों इन्होंने लेर इज़ देअर रोज रोज़ आपका नाम हो सकता है आपको ये कह सकते हैं पहली बार मिले रोज राइट right? चलो अभी आके देखते हैं कि क्या है आ, नेम अनिश्स प्लीज एक्सक्यूज मेरा बैकग्राउंड नॉइज एक कंस्ट्रक्शन चल रही है कुछ नेम अनिशल्स ऑफ योर डैट मैन And Q, H, E, uh, this is N, X, R, V, and K. T, K T. तो अपना ख्याल रखेंगे आप ठीक है इस प्रॉमिस के साथ बाय बाय टेक केयर